हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी बचल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा सिक्स क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, हमारी बुक है, इसको हम देख रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, मानचित्र के विषय में। जैसा कल हम लोगों ने मिलकर भारत का मानचित्र बनाया, उसमें बहुत सारी जानकारी को लिखा और मेरे प्यारे सभी बच्चों ने अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा। सभी बच्चों ने आपस में छोटा सा कंपटीशन भी आपका क्रिएट किया, जिसमें आप सब ने मैप बनाए और इंडिया का मैप आपने मेरे को दिखाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपनी क्लास को पढ़ रहे हैं, बहुत क्रिएटिव तरीके से अपनी क्लास कर रहे हैं। और हमने मानचित्र को देखा कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। हमने भौतिक मानचित्र को पढ़ा, हमने आपका राजनीतिक मानचित्र को पढ़ा, थेमेटिक मानचित्र के विषय में पढ़ा, उसके साइन को हम लोग देख रहे थे। बस एक लास्ट की हेडिंग बची है, उसको हमको देखना है, फिर उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आपका मूव कर जाएंगे। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका कोई भी आपका डाउट है, कोई पर्सन है, किसी प्रकार का कोई चीज आपको समझ नहीं आई है चैप्टर नंबर 4 में, कोई भी स्कूल्स का कोई भी बच्चा, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न हमको भेज सकते। कोई बच्चा है जिसको कुछ अगर आपका पूछना है, वैसे तो सभी बच्चों को अच्छी तरह से मैं उम्मीद रखता हूँ कि सबने बहुत अच्छे से मैप बनाए थे, जानकारी आपने ले ली थी और आपने क्रॉस चेक भी कर लिया था। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है कि जो ये आपके कलर हैं, यहाँ कलर से आपका किस प्रकार से इन्होंने आपका प्रयोग में लाया इन कलर को और उसको इन्होंने आपका देखा है। अब हम बात करेंगे रेखा चित्र की, कि रेखा चित्र में क्या है, इसको थोड़ा सा आपका समझना है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, प्रतीक को हम लोग आपका समझे थे कि कैसे इनको आपको डोनेट करते। अब ये देखिए, ये वाला जो ऐसा साइन है इस तरह से, ये किस चीज का दिखाया था बच्चों? आप देखिए, ये मीटर लाइन का था, ये देखिए है ना, मीटर लाइन दिखाई गई थी इस तरह से। ये किस चीज का था, ये किसका है, इस तरह से सारे जो साइन है वो आपके डोनेट किए गए हैं और उसमें वो आपका दिखाए गए, ठीक है। तो इन सबको हमको ध्यान रखना। चलिए, रेखा चित्र की अगर हम लोग देखें तो इसमें बात करते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है, आरेखण मतलब आपकी लाइन होती है जिनको हम लोग आपका विड्रॉ करते हैं अपने अनुसार, उनको देखते हैं, जो पैमाने पर आधारित ना होकर यथार्थ और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती है। कि हम जैसे हमने किसी स्थान को जाके देखा हो फिर उसको लोकेट करते हैं, उसी आधार पर होती है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के साथ सापेक्ष दिखाने में करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं तो हम आपका रिलेटिव करते हैं, रिलेट करते हैं कि ये चीज उसके साथ ऐड हो सकती है, ये वैसे है, ये हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, क्लियर है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना देता है। देखिए, हम लोग आपका चित्र बनाते कॉपी पे, ये देखिए, ये मेरा घर हो गया, चलो यहां से बाहर निकलेगा, घर से मेन रोड आएगी, मेन रोड से आप 100 मीटर चलोगे, फिर आपको लेफ्ट में मुड़ना है, वही आपका बगल में आपका मंदिर है, वहां मेरा घर होगा। हम लोग बनाते ना इस प्रकार से, फिर हम लोग उससे पहुंच जाते हैं। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, आपका GPS आ गया है, ग्लोबल पोजिशनिंग आपका सिस्टम, हम लोग अपनी आपका GPS लोकेशन आपका भेज देते हैं, शेयर करते हैं और हम लोग आपका उस स्थान पर आपका पहुंच जाते हैं। कोई आपका दुकान है या कोई हॉस्पिटल है, मंदिर है, कोई बड़ी चीज आपका ढूंढना हो, हम लोग गूगल करते हैं और गूगल हमको रास्ता बता देता है कि दूरी कितनी है, कितना समय लगेगा और क्या क्या उसका मार्ग होगा, वो हमको दिखा देता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखाचित्र आपका मानचित्र कहते हैं, ठीक। अब रेखांकन जो है आप उसको समझ गए। अब बात कर रहे हैं हम एक छोटे क्षेत्र का पैमाना पर खींचा गया खाका। अब देखिए, कोई छोटा चीज है उस पर आप कैसे खींच रहे हैं, क्या उसका खाका है। खाका मतलब एक स्ट्रक्चर होता है। आप कहीं जाते हैं तो आप किसी स्थान का कुछ अपना लोकेशन बना के आते हैं, कुछ की अपने अनुसार आपकी चाय, कुछ आपका टेबल वेबल बनाते हैं, इस प्रकार से खाका तैयार करते हैं कि क्या है, कैसे कैसे व्यवस्था है, क्या चीज करनी है, उसके अनुसार जो अपनी आपका प्री प्लानिंग होती है। एक बड़े
पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र से नहीं देखा जा सकता। क्या बोलते हैं, कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम लोग आपका नहीं देख सकते, जैसे आपका कमरे की लंबाई है, आपका चौड़ाई है, इन चीजों को हम लोग आपका नहीं देख सकते। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग आपका, ठीक। तो आप खाका को समझ गया कि अगर कोई लंबाई है उसको मानचित्र नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, रेखा से उसकी साइज बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, बहुत अच्छे से समझ ली, अपने मानचित्र बना ली, अपने दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस प्रकार होती है, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व दक्षिण उत्तर, इस तरह से आपने सारी दिशाओं को बहुत अच्छे से पढ़ा, अपने कंपास को आप चलाना सीख गए हैं, आप यूज करना सीख गए हैं। आप इस तरह से देखते हुए अपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और पार्टिसिपेट किया है। मेरे को बहुत खुशी है कि सभी बच्चों ने अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक। तो ये चैप्टर जो है बच्चों, मेरी तरफ से आपका समाप्त है। अगर किसी बच्चे का भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई चीज समझ नहीं आई है, तो कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। नहीं तो हम चलते हैं अगले चैप्टर, किसी का कोई डाउट तो, अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रारंभ करना चाहते हैं तो एक बार अपने सभी बच्चे अपनी सीट से एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ूं। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ध्यान देंगे आप सभी। ये देखिए आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हमारे सामने है, और इस चैप्टर नंबर 5 को थोड़ा आप समझें और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, आपको इसकी इम्पोर्टेंस को भी ध्यान देना है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अब आपका ये है हमारी अर्थ, और बात किसकी करें, परिमंडल की। परि मतलब चारों तरफ का जो मंडल है। अब मंडल में आपका स्थल मंडल भी हो सकता है, भूमंडल भी हो सकता है, जय मंडल भी हो सकता है, जल मंडल भी हो सकता है, और वायुमंडल। तो जैसे हमारा चैप्टर है उसी के अनुसार हम चीजों को पढ़ेंगे और बहुत आसानी से सारे चीजों को हम लोग आपका जानते चलेंगे, वन बाय वन वन हम लोग टैकल। आज के लिए हम लोग अपना नया चैप्टर जो है आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, रेडी हैं बच्चों? बहुत बढ़िया। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। देखो जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं बच्चों, पहले 9 ग्रह थे लेकिन वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं, तो हम लोग 8 याद रखना है, ठीक। ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, जहां पर जो आपका जीवन है वो जीवन आपका संभव है। क्या है, जो जीवन है वो आपका संभव है, क्योंकि आप देखेंगे दूसरे ग्रह पर जीवन जीने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी तक हम लोग नहीं पाए हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं पानी नहीं है, मतलब आप ये समझिए मानव के लिए अगर अनुकूल और अगर कोई आदर्श आपका कंडीशंस हैं अभी तक तो जो ज्ञात है वो हमारी अर्थ ही है, बाकी कोई और दूसरा ऐसा आपका प्लैनेट आपका ग्रह नहीं है, ठीक है। मानव यह है जीवित रह सकता है। अब देखिए यहाँ क्या कर सकता है, जो मानव है वो आपका सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, अब देखिए हम जो अपनी लाइफ जीते हैं उसके लिए कुछ हमको चीजों की आवश्यकता होती है। अब देखिए भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है, ये सब चीजें क्या है आपकी, जो हमारी अर्थ है ये उस पर क्या है आपकी, मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। देखिए तीन घटकों की बात कर रहा है जो क्या होते हैं, आपस में आपका मिलते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, प्रभावित करते हैं। तो अब हमको समझ आ रहा है कि अब हमको क्या करना है कि उन तीन घटकों को पढ़ना है जो एक दूसरे को आपका प्रभावित करते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी हमको देखना है। अब देखिए कौन से वो घटक हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पृथ्वी का ठोस भाग जिसे हम जिस पर क्या करते हैं बच्चों, आपका रहते हैं, ये कौन सा भाग है, ध्यान दीजिए कौन सा भाग है ये आपका, इसको हम बोलते हैं भूभाग, और हम बात कर रहे हैं मंडल की तो भाग ही मंडल है, तो देखिए इसे क्या बोलते हैं हम, भूमंडल, यानी कि जिस पर हम आपका रहते हैं, जिस पर हम लोग आपका कृषि करते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा भूमंडल है।
और कैसा है ये, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, कैसा है? कठोर सतह वाला है। तो क्या है हमारा? भूमंडल। ध्यान रहेगा इतना, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर गिरी। अब देखिए हमारी वायु, जो हमारा वायुमंडल है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो कहाँ है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ही है, और उसका ही आपका सरवाइव है। देखिए कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्या कारण है कि वायुमंडल आपका पृथ्वी पर ही मिलता है। तो एक बच्चों रीजन जो है, आप लोग नोट करके लिखेगा सभी बच्चे, कि पृथ्वी पर लिखे बच्चों सभी, देखिए ध्यान दे सभी, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का एक कारण है, वह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है बच्चों? पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये क्या करता है, ये वायुमंडल को अपनी तरफ खींचता है या उसको बांधे रखता है। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन एडिशनल जानकारी है, आपका साइंस और SST दोनों में काम आएगा प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जो पृथ्वी के चारों ओर घिरी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ध्यान दे रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग आपका? वायुमंडल कहते हैं। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। क्या है? और बहुत सारी दूसरी ऐसी गैसें हैं जो आपकी यहां मिलती हैं। पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसमें जिसे हम क्या कहते हैं आपका? जलमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित है। अब देखिए क्या है इसमें, जल भी है आपका, बर्फ भी, आपका जलवाष्प। तो मेन तीन, अगर मैं बात करूं कि तीन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट, आप ये समझिए कि जो सबसे ज्यादा हो गए इसमें, वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ा सा। देखिए वो क्या है, एक तो हो गया भूमंडल और दूसरा हो गया वायुमंडल और तीसरा हो गया आपका जलमंडल। ये तीन महत्वपूर्ण हो गए। ठीक, इनको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीव मंडल क्या है आपका? सीमित है, वो आपका लिमिटेड है। ठीक, जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलती है। अब देखिए तो अगर आप देखें थोड़ा सा, तो जल मंडल में क्या दिखाई दे रहा है कि जहां लैंड हो, आपका वाटर हो और एयर हो, ये तीनों क्या होती हैं? एक साथ कनेक्ट होती हैं, एक साथ मिलती हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। क्या होता है? हर प्रकार की लाइफ के यहां आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे और एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो इसी साथ हमारे पास सबसे पहले जो मिल रहा है वो हमका मिला है भूमंडल। क्या मिल रहा है बच्चों? भूमंडल। ठीक, अब आइए हम लोग भूमंडल को समझते हैं। अच्छा, यहां तक अभी तक हम लोग खाली इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, और इसमें अगर कोई चीज ऐसी आपको समझ नहीं आ रही, कोई आपके माइंड में प्रश्न बन रहा है कि सर से आपका पूछना चाहिए, संकोच नहीं करिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, डरिए नहीं, जो भी आपका प्रश्न है आप पूछिए। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उसको सही मान लेते हैं और वो चीज गलत होती है। तो शायद बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा प्रश्न हो, आप पूछ लें, मैं उनका आंसर दे दूं, तो शायद सब बच्चों का जो डाउट है वो आपकी वजह से दूर हो जाए। तो इस तरह से आप क्लास में, जैसे कल आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, उसी प्रकार आपको क्लास में पार्टिसिपेट करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ठीक, अब देखिए पृथ्वी के भूमंडल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। कह रहे जो पृथ्वी का ठोस भाग है हम क्या बोलते हैं उसको? भूमंडल। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है। कैसा बना है? कि जो आपकी चट्टान है और जो आपका मिट्टी की पतली परत है, उससे क्या है आपका? मिलकर ही आपका बना है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए कि जो आपकी पतली लेयर है मिट्टी की, उसमें क्या पाए जाते हैं? जो हमारे जीव हैं उनके लिए आपका जो पोषक तत्व हैं, वो आपका पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। अब देखिए प्रमुख पृथ्वी की दो सतह है। पहली सतह देखिए कौन कौन सी है। बड़े स्थल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बड़ा स्थल भाग होगा उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। अब आज हम
मैं आपको महाद्वीप बताऊंगा क्या है, और महाद्वीप के साथ जो अगला पार्ट है के नाम से जानते हैं, तथा बड़े जलाशयों को हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। क्या नामते हैं? दूसरा जो है महासागर बेसिन। अब देखिए, जो महासागर के जो आपका नीचे का जो भाग है वो क्या है? आपका महासागर बेसिन है। यानी कि देखिए, जो समुद्र है, जो पानी है, उसके अंदर भी क्या है? आपकी लैंड है। क्या है? आपकी लैंड है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? क्या है? आपकी लैंड है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए हैं। अब देखिए, कह रहे कि जितने भी आपस में जो भी आपके महासागर हैं, सागर हैं मेरे, ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से आपका कनेक्ट होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा चित्र 5.1 में, विश्व के मानचित्र को देखो, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे को आपस में जोड़ते हुए हैं? ठीक, अब हमको ये मानचित्र देखना है, इस पर बात करेंगे। समुद्री जल का तल भी सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्या मानते हैं? समुद्र तल की ऊंचाई, ठीक, सी लेवल। अब हमको क्या करना है? महासागर बेसिन को समझिए। देखिए, एक होता है द्वीप, जैसे आपके महाद्वीप, जैसे हमारा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है हमारा, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है हम, तो एशिया महाद्वीप है, तो वहां आप जब रह रहे तो भाई सारी पृथ्वी है जो हमारे महासागर है। तो महासागर के नीचे भी ऐसा नहीं कि पानी है, पानी के नीचे भी जहां एक लास्ट पॉइंट तो होगा, जहां पानी नहीं मिलेगा आपका, सीधा क्या मिलेगी आपको बच्चों? लैंड मिलेगी, नीचे पृथ्वी मिलेगी, सरफेस मिलेगा, तो वो क्या है? महासागरीय बेसिन है। इसको भी हम लोग आपका देखते हैं। अब देखिए, थोड़ा जो आपका मानचित्र है ये आपका मिल रखा है, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए बच्चों, मैं इसलिए क्या करके लाया हूं, आपके लिए पूरा अच्छे से लाया हूं, ताकि आप इसको समझ सकें और आप इसको देख सकें, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास है। अब आप इसको ना एक बार गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा बच्चों। ये पूरा जो आपका, ये सारे जो है हमारे महाद्वीप है, एक एक करके मैं आपको लिखाऊंगा, आपको उनकी पोजीशन भी बताऊंगा। आप सबसे पहले ना, आप देखिए एक दूसरे महाद्वीप को, जैसे आप सबसे पहले क्या करें, आप एशिया महाद्वीप को देखिए कि कहां पर एशिया महाद्वीप है। देखा आप लोगों ने एशिया महाद्वीप को बच्चों? देख लिया। एशिया महाद्वीप के बाद आप यूरोप महाद्वीप को देखिए, यूरोप महाद्वीप कहां पर है। यूरोप महाद्वीप के साथ आप अफ्रीका महाद्वीप को देखिएगा, देख लिया। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखिएगा, उत्तरी अमेरिका लिखा होगा, महाद्वीप नहीं लिखा है, उत्तरी अमेरिका देखिए। उत्तरी अमेरिका के बाद नीचे देखिए, येलो कलर में, डार्क में, दक्षिण अमेरिका लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब एशिया के नीचे जहां पैसिफिक आपका ओशन है, ठीक है बच्चों, इसको देखना है, और वहां आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया। अब दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है आपको प्रशांत महासागर। क्यों दिखाई दे रहा है दोनों तरफ प्रशांत महासागर बच्चों? क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है? अंडाकार है, इसलिए ये मैप पीछे जाके फोल्ड हो जाएगा, अगर देखे तो कैसा हो जाएगा? गोल, ग्लोब जैसा। तो इसलिए दोनों साइड में क्या आ रहा है आपका? प्रशांत महासागर आ रहा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपने आपने देखा बच्चों, देख लिया सबने? चलिए, अब इसमें ना आप महासागर को देखिए, कौन कौन से महासागर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों? ये आपको देखना है, जैसे प्रशांत महासागर को देखिए, देख लिया। हिंद महासागर को देखिए, देखा। अटलांटिक महासागर को देखिए, देख लिया बच्चों, इनको देखिए। बाकी मैं आपको और बहुत सारे जो आपके सागर महासागर है, इनको सबको मैं आपको लिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको देखना है। अब बच्चों, इसमें थोड़ा सा चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए जहां पर अफ्रीका लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है कि जहां पर अफ्रीका लिखा है इसको आपको ध्यान देना, ये देखिए ये लिखा है अफ्रीका, दिखाई दे रहा है, और अफ्रीका में एक लाइन दिखाई दे रही है आपको,
इसको मैंने अभी रेड रेड कर रहा हूँ, इसको देखिएगा, मैं दोबारा एक बार आपको बना देता हूँ। ये वाली लाइन को देखिए, ये देखिए, ये है विषुवतीय वृत्त रेखा, और मैं आपको समझाया था इसको अच्छी तरह कि ये कितने डिग्री पर होती है, जीरो। कितने पर है आपका? जीरो। ध्यान दे रहे कितने पर है? जीरो। और ठीक इससे ऊपर ये रही आपकी कर्क रेखा, और हम कल देखे थे कि ये भारत से कहां निकलती है? बीचों बीच से निकलती है। ठीक, ये देखिए, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, और ये रही आपकी लाइन कर्क रेखा की। तो आप थोड़ा इसमें ये जो दो हमारी जो तीन काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी स्थिति को भी आप थोड़ा सा देखिए कि विश्व के किन महाद्वीप से होकर गुजरती हैं ये रेखाएं। अब हम नीचे बात कर रहे हैं आपकी मकर रेखा की। ये देखिए, ये रही मकर रेखा। यहां तक मुझे बताइए कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको समझ आया है कि नहीं आया? इस मैप को देखिए, क्योंकि अगर आप ये मानचित्र देखना सीख लिए तो आपको पूरा एटलस देखना आपको प्रारंभ हो जाएगा, सीखना आप सीख जाओगे। सबसे पहले ये समझना होता है कि आपको जो भी हमारे महाद्वीप हैं आप उनको देख रहे हैं, वो महाद्वीप आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। क्लियर है बच्चों? ध्यान रहेगा इतना आपको? चलिए ठीक है, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ध्यान दें बच्चों द्वारा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजर रही है? कौन सा महाद्वीप है? कोई भी बच्चा माइक ले, उसको समझ आ रहा है मेरे को जरूर बताए, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा एवं मकर रेखा आपकी गुजर रही है तीनों? कोई भी बच्चा, पूरी क्लास फुल है, सभी बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं, अच्छे से मैप को समझ रहे हैं, बताइए। कोई भी बच्चा जो आपका वॉलेंटियर हो मेरे को बताए। चलिए ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूं, आप आपका जो अपना आंसर हो आप उसको आपस में क्रॉस चेक कर लेना बच्चों। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, लिख लीजिए, चाहे आप इसको ना भी लिखे आप नोट कर लीजिए, रफ में लिख लीजिए, आप उसको चेक कर लें, जैसा आप लोग अपने हिसाब से करना चाहे। देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप क्या है? ऐसा महाद्वीप है जहां से क्या होती हैं ये तीनों काल्पनिक रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, हम जिसको क्या बोलते हैं आपका विषुवतीय वृत्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा लिख लीजिए इसको, या विषुवतीय रेखा लिख लीजिए जो आपके 0 डिग्री पर है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री इसमें है आपका नॉर्थ में है, और आपका मकर रेखा 23.5 आपका साउथ में है। मैं आपको ग्लोब बनाकर, मानचित्र बनाकर मैं आपको सबको समझाया हूं बहुत अच्छे से, और सबको वो आपका दिखाया भी हूं। क्लियर है? फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं कि मैंने कैसे बनाई थी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग एक बार, देखिए मैंने एक बार ग्लोब बनाया था और उस पर इस तरह से दिखाया था कि ये आपकी 0 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका कौन सा गोलार्ध है बच्चों? ये मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध बताया था, और ये बताया था मैंने आपको दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ध्यान देना है। और मैंने बताया था कि यहां से क्या निकलती है आपका, ध्यान दीजिए, इसी लाइन में आपको निकालता कि 23.5 पर कौन सी निकलती है? कर्क रेखा। ये मैं सब आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक। और इधर मैं वो आपको बताया था कि 23.5 पर कौन सी है? मकर रेखा, ठीक, ध्यान देंगे इतना, यही दिखाया था। अब देखिए, यही चीज यहां पर है, लेकिन यहां कैसे है ये हमको आपको ग्लोब पर इस प्रकार, आप इन लाइनों को समझिए, ये दिखाया गया। ये कौन सा गोलार्ध हुआ आपका? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हुआ आपका? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? ध्यान रहेगा। ये देखिए क्या करना है हम लोगों को, अब देखिए यही मानचित्र जो है आपको दिखाया गया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये इस तरह से आपके बुक में है तो उसको मैंने वहां
ऐड किया हुआ है। क्लियर है? चलिए, इतना आप लोगों ने देखा, इतना आप लोगों ने समझा और इतना आप लोगों ने जाना, ठीक। अब इतना आप देखिए, सबसे पहले ये महाद्वीप आप लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और कल आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट की स्थिति को भी देखा है और उसकी हाइट भी जाने। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, कहां से बच्चों, समुद्र तल यानी के सी लेवल से है, 8848 मीटर ऊंचा है। कहां से मापते हैं हम लोग? सी लेवल से ही तो उसको मापते हैं, तभी तो हम बता रहे हैं कितना ऊंचा है। अगर हम लोग अपने घर से देखेंगे तो कहां होगा 8848? सबके क्यों घर, अब देखिए सबके जो घर हैं गांव में, किसी का ऊंचा है कहीं से नीचा है, किसी का हाइट पर है, किसी का प्लेन में है, किसी का गहराई में है, तो इसलिए हमने क्या नापा है, हमने सी लेवल से उसकी क्या करी है बच्चों, मेजरमेंट की है। अब देखिए, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है। ध्यान रखना है आपको, क्या है, सबसे गहरा महासागर का जो पार्ट है वो कौन सा है बच्चों, ध्यान देना है आपको, मेरियाना गर्त। और किस सागर में है आपका? प्रशांत महासागर में, ठीक। और सबसे जो ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग भाग है? हिमालय पर्वत का, और हिमालय में भी महान हिमालय जिसको हम बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक। अब देखिए, गहराई की बात कर रहे हैं, जबकि मेरियाना गर्त है जो आपका ट्रंच बोलते हैं, ये कितनी है जिसकी गहराई 11022। क्लियर है? 11022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के ऊंचे भाग में इतनी अधिक क्यों हो सकती है? कह रहे कि समुद्र में इतनी गहराई है और पृथ्वी के जो ऊंचे भाग हैं इतनी अधिक क्यों हो सकती है, इस पर थोड़ा विचार करिए, देखते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए, जितना अभी तक हमने पढ़ा है ये आपको समझ आया भी है या नहीं आया है, ये मुझे, ये आपको बताना है बच्चों, क्लियर है? अब देखिए, पूरा मैप आपने देखा, एशिया महाद्वीप को पढ़ा, अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा, ये आपने देख लिया, ठीक। ध्यान रहेगा इतना, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, कोई डाउट किसी प्रकार का, कोई आपके चीजें, मैं आपको फिर भी एक बार द्वारा देखिएगा, द्वारा निहारिए आप इसको, मैं आपको समय देता हूं 5-10 सेकंड का, फिर मैं कुछ पूछता हूं आपसे। आपको इसके अंतर्गत मैप में अगर आप इसको और अध्ययन करोगे तो आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई देंगी, आप इनको पढ़ेंगे, आप इनको समझेंगे, ठीक, और आप इसको बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, इनको जान पाएंगे, तो आपको सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से आपको देखना है, आप इनको निरंतर करते रहिए, ठीक। अब ये सारी चीजें हैं तो आप इनको करिएगा तो आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, ठीक। चलिए वापस एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए कि हम लोग कहां से प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक। तो आज हम जो है अपने फिफ्थ चैप्टर में इतना ही रहते हैं, और अगर कोशिश हो सके बच्चों, वैसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इतने बढ़िया बच्चे हैं, मैं बहुत बच्चों से उम्मीद रखता हूं, तो आप एक बार घर जाकर आपके बुक में होगा और कोशिश करिए कि किसी बड़े पृष्ठ पर, किसी बड़े पन्ने पर आप लोग जो है महाद्वीप है, उस महाद्वीप, ये सारे महाद्वीपों को बना सके, जैसा भी आपसे बने। जीआईसी बचुआबान, शांत होकर बैठिए बच्चे, आज आपको क्या हो गया, पीछे बच्चे आपका उछल कूद कर रहे हैं, शांत होकर बैठिए, बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, ऐसे कितने बच्चे हैं जो घर जाकर ये कोशिश करेंगे, देखिए बने या ना बने, कि विश्व का मानचित्र बना के लाएंगे, ये जो आपका महाद्वीप वाला पार्ट है, कितने बच्चे हैं ऐसा जो घर जाकर ट्राई करेंगे, हाथ खड़ा कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कहाँ का सारे बच्चे? जीआईसी टिकटोली, बहुत अच्छे बच्चे, आप नीचे कर लो। जीआईसी बचुआबान, आप लोग नहीं बना के लाओगे बच्चों? बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग बना के लाइएगा और इसको देखिएगा। तो बच्चों, आज आपने अपने चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से आपका समाप्त किया, पूरे मानचित्र की सारी चीजें आपने देखी, पढ़ी और समझी, और चैप्टर नंबर 5 को आप लोग आपका प्रारंभ कर चुके हो। एक बार मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3-2 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ग्लोब के विषय में पढ़ाया था, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं आपको पढ़ाई थी। एक बार कल आप सभी बच्चे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं को जरूर एक बार आप लोग आपका तैयार करके आइए,
उनको लेके आइए, फिर हम लोग इस पर आपका बात करेंगे और हम लोग आपका देखेंगे क्या स्थिति है, कैसे चीजें हैं, किस प्रकार बनता है, क्योंकि ये ना इस चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाला है आपके अक्षांश और आपके देशांतर रेखाएं, क्योंकि हम लोग महाद्वीपों को पढ़ेंगे, उनकी स्थिति को देखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सभी बच्चों को आपका लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा और आप सभी बच्चे घर जाकर लेक्चर को एक बार जरूर आपका रिवीजन करेंगे। किसी प्रकार कोई डाउट होगा तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना प्रश्न, अपना क्वेरी आप हमसे जरूर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।